गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग से दोपहर तक का। तो मैंने नीचे की साफ़ सफाई सब कर ली है, छत गंदा हो गया था तो मैंने सोचा छत पे झाड़ू लगा लूँ, तो मैं यहाँ पे छत पे झाड़ू लगा रही हूँ। माही जिद कर रही है कि मैं भी लगाऊँगी, वो बार बार झाड़ू मुझसे छीन लेती है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैसे नीचे की तो झाड़ू मैंने लगा दी थी सुबह ही, छत गंदा हो गया था तो मैं उसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ अभी। अब झाड़ू लगाने के बाद मैं रहा बच्चा वो सारा काम कर लूँगी। यहाँ पे देखो माही खेल रही है कितनी शरारत कर रही है, बहुत शरारत करती है। आपको मेरी बेटी कैसी लगती है बताइए। यहाँ पे ये धूप तो नहीं निकली थी, लेकिन मैंने सोचा बिस्तर डाल लो सूखने, सही रहता है। बहुत दिनों से बारिश भी हो रही थी तो सूखा नहीं था, तो धूप निकलने वाली थी, निकली नहीं है अभी। मैंने पहले ही डाल दिया, नीचे की साफ़ सफाई की तो मैंने सारा बिस्तर उठा लिया था, तो मैंने डाल दिया है अभी, सूखने डाल दूँगी। यहाँ पे मेरा सारा काम नीचे का साफ सफाई, खाना कंप्लीट हो गया है। माही को यहाँ पे तैयार कर रही हूँ, देख कितनी जिद कर रही है, बहुत सतानी करती है, कपड़े नहीं पहनती है। मैंने तो नहा लिया तो सुबह ही नहा के बैठी थी, इसके ही कपड़े थे माही के, और इसे तैयार करना था सो मैं कर रही हूँ इसको। यहाँ पे मैंने इसको फ्रॉक पहना दिया है, भाग गई यहाँ पे। यहाँ पे दोबारा इसको लेके आए हैं तो इसको पैजामे डाल रही हूँ मैं, ऐसे खेलने की बहुत रहती है, ये सब तरफ देख रही है कि सब लोग खेल रहे हैं मैं भी खेलूँ, कपड़े नहीं पहन रही है, खेलने खेलने। इसकी फ्रॉक का चैन ख़राब हो गया तो मैं इसके यहाँ पे पिन लगा दे रही हूँ इसके। और प्लीज़ आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे ये तैयार होने में बहुत नखरे करती है, नखरे नहीं मतलब इस ये बोलती है कि मुझे दे दो, मैं अपना ही सब अपने आप कर लूँगी सब कुछ। बताओ ये कर तो लेती है, अभी क्या कर लेगी अपने आप से। मैं भी सोच रही हूँ अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, कब तक बेसहारा बने, बेसहारा ही होती है औरत जब तक खुद का अपना कुछ नहीं कर पाती है। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ, एक स्ट्रॉन्ग वूमेन बन सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करने में। मैंने इसका क्रीम पाउडर जो लगाना था सबको लगा दिया है बाबू का। मैं इसके बाल बना रही हूँ चोटी, इसके बाल थोड़े बड़े हो गए ना, चोटी बना दो तो आँखों में नहीं आते हैं, तो मैं ऐसी ऊपर करके चोटी बना दूँगी। यहाँ पे रबड़ खो गई इसकी, जो रिबन वालों में लगानी थी वो मिली नहीं रही थी। चोटी तो बनाने जा रही थी लेकिन अब चोटी नहीं बनाऊंगी, शायद मिल जाएगी रबड़, ढूंढ रही हूँ अभी। मिल गई, नहीं मिली चिमटी लगा दी, बताइए तैयार होगी कैसी लग रही है माही।
पे जो कपड़े सूख चुके थे उनको मैं तय लगा के रख दे रही हूँ फोल्ड करके। यहाँ पे सामान ये ऊपर छत पे लेके आई थी तो मैं पॉलीथीन में इकट्ठा करके ले आई थी। यहाँ पे शॉल भी रख देंगे संभाल के, क्या करना होगा। धूप अच्छी आसी हो गई थी दोपहर में तो इसलिए सब लोग दोपहर छत पे ही बैठ गए थे। बाबू है, बाबू को कल के आई हो, कल के आई हो बाबू को। चीज ले आई हो, चीज माही को तुम कह दो, कह रहे पापा माही से बात करना। बाबू यहाँ पर माई जिद कर रही है कि उसे भी साइकिल चाहिए, तो पड़ोस में एक बच्चे की साइकिल थी तो वो चलाने लगी। उतर ही नहीं रही है साइकिल से। बस यहीं तक तक था आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।